So what's up guys, welcome back to the channel Rising Artwork. Hope you guys are doing best, amazing and awesome. So guys, after a long time, एक लंबे ब्रेक, एक महीने के ब्रेक के बाद हम लोग वापस अपने ओरिजिनल अवतार में आ चुके हैं और आज का जो आर्टवर्क है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी के लिए मैंने क्रिएट किया है. और वो अमेजिंग पर्सनैलिटी और कोई नहीं, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट पैरालंपियन शूटर अवनी लेखरा है. तो मैं जानता हूँ बहुत लेट हो गया है अब उनके आर्टवर्क को क्रिएट करने में, जब उनने गोल्ड मेडल जीता था. तो अभी मैंने क्यों क्रिएट किया उनका आर्टवर्क, उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ. जैसे कि अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे कंट्री में खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा था, तो उसमें अवनी लेखरा को भी इसी अवार्ड से नवाजा गया. तो उनका ही मैंने एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, ट्रिब्यूट पोर्ट्रेट उनके लिए, एक फैन आर्ट पोर्ट्रेट या ट्रिब्यूट पोर्ट्रेट जो भी हम बोल सकते हैं, तो वो मैंने क्रिएट किया हुआ है. तो बेसिकली ये वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं उनका पोर्ट्रेट क्रिएट करने के लिए, मेरा मीडिया क्या रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पोर्ट्रेट दिखाने जा रहा हूँ आपको. सो गाइस, दिस इज द एक्चुअल पोर्ट्रेट दैट आई हैव क्रिएटेड. आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा खड़े होकर दिखा देता हूँ. तो ये है हमारा एक्चुअल पोर्ट्रेट जो मैंने क्रिएट किया है, ब्लैक एंड वाइट में क्रिएट किया. जैसे मैंने नीरज चोपड़ा का पोर्ट्रेट क्रिएट किया था, अगर आपको का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा. तो सेम मैंने उसी फॉर्मेट में इनका भी पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, ब्लैक एंड वाइट. जैसे कि पेंसिल और चारकोल मीडियम से मैंने इनका जो बॉडी पार्ट है और फेस पार्ट है वो मैंने पेंसिल और चारकोल से किया है. एंड जो यहाँ पे फ्लैग है और जो इनका मेडल है, सिर्फ उसमें मैंने कलर्स का यूज़ किया, ब्रूस्ट्रो के कलर्स. जो शीट मैंने यूज़ की है वो बेसिकली मैंने स्ट्रैथमर की ये वाली शीट यूज़ की, 300 सीरीज़ की 270 GSM की ब्रिस्टॉल की शीट है, तो जो कि मैंने इस वाले पोर्ट्रेट के लिए यूज़ किया है. और अलॉन्ग विद दैट जो मैंने पेंसिल से, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टेडलर्स की पेंसिल्स ही मैं ज़्यादा मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने आर्टवर्क में. तो जो पेंसिल मैंने यूज़ की है यहाँ पे, वो एच पेंसिल मैंने यूज़ की है आउटलाइन के लिए, और B2B 4B और 5B यूज़ किया है मैंने फॉर दीज ग्रेडियंट्स. फेस को पोर्ट्रेट करने के लिए, फेस को शेड करने के लिए मैंने HP और 2B का ज़्यादा यूज़ किया था. और along with that, जैसे कि यहाँ पे और जो इनका जो किट है उसको शेड करने के लिए मैंने HP पेंसिल का ज़्यादा यूज़ किया और 2B पेंसिल का. और जो डार्कर एरियाज है, जैसे कि आप फेयर एरिया देख रहे हैं, आई के एरिया देख रहे हैं, और जो लिप्स के मिडल में और जो इनका ये वाला जैकेट का कफ है उसको मैंने डार्क शेड यानी कि 5B से किया है. तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और अब बाकी का एक्सपीरियंस आप वीडियो में देखने ही वाले हैं वैसे भी. और इंस्टाग्राम पे मैंने ये पोर्ट्रेट का पोस्ट भी मैंने रिलीज़ किया है और अलॉन्ग विद द रील, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे वो भी देख सकते हैं. और प्लीज़ वहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो अवनी लेखरा को ज़रूर टैग कीजिएगा. मेरी भी कोशिश ये है कि ये पोस्ट उन तक पहुँच जाए, तो मेरी भी हार्डवर्क थोड़ी और इन्हांस हो जाएगी तो उस सेंस में. एंड अलॉन्ग विद दैट, सो वीडियो में जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, हर बार की तरह आप लोगों ने अपने मेरे हर काम को बेशुमार प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड लव टू ऑल ऑफ यू. लेकिन इस बार भी आपको हर बार की तरह यही चीज़ दोहरानी है कि अगर आप को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इस वीडियो को लेकर क्या व्यूज़ हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको और बेटरमेंट चाहिए. और आने वाले टाइम में आप या किसी सेलिब्रिटी आर्टवर्क वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं. और लास्टली, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. और जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितने लोगों से आप शेयर करना चाहें वीडियो शेयर कर सकते हैं, खुली छूट है. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो.